Happy New Year, guys! Happy New Year, guys! Happy New Year! Happy New Year! Cameras! Happy New Year! Happy New Year! तो हे गाइस, कैसे हो सब? सब आज मतलब सबने मुझे ना पर्सनल भी मैसेज किए थे और कमेंट्स में मैं पढ़ती हूँ, तो सबने बोला कि आप भी प्रैंक करो। तो मैं सोच रही हूँ साल की शुरुआत में एक प्रैंक के साथ करती हूँ। पिछली बार मुझे रुला दिया था ना, तो इस बार भी मैंने खतरनाक ही सोचा है। मैं ऐसे बोल दूँगी कि मम्मी ने मेरे को डांटा सुबह मतलब कुछ काम करते हुए किचन में भी, और फिर उसके बाद मेरे को जीन्स के लिए मना कर दिया। कुछ भी मतलब ऐसे बढ़ाती जाऊँगी। प्रैंक है क्योंकि मुझे पता है कि इस पर शायद कुछ रिएक्ट करे, तो अभी वो नीचे है, मैं उसको कॉल करती हूँ और फिर बोल देती हूँ। हेलो। हाँ, कहाँ पे? मैं नीचे लेने आया था उस वक्त। यार दो मिनट ऊपर आई हो। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ बात करनी है। स्टूडियो में हूँ मैं, आ जाओ। स्टूडियो में क्यों, खाने नहीं लाना? कुछ जरूरी काम है, आ जाओ ऊपर। तू रूम पे बहुत पहले आ गया, बस 2 मिनट लगेंगे। मैं ऊपर बोल रही हूँ ना, नीचे सब बैठे हैं, मुझे अकेले में बात करनी है। क्या हुआ? बोल रही हूँ ना, कुछ हुआ तो आ जाओ ऊपर, कुछ काम है। चल मैं 5-7 मिनट में आया। मुझे अब भी आ जाए यार, जरूरी है। आ रहा हूँ कुछ लेगा ऊपर ही। आ रहा हूँ 2 मिनट दे। आ रहा हूँ। ये तो मेरे को गुस्सा दिला रहा है भाई। बोलना जरूरी है फिर भी, इसको 7 मिनट चाहिए। अच्छे से प्रैंक करूंगी, मेरे को रुलाता है ना, मैं भी रुलाऊंगी इसको। नहीं यार, नहीं रुलाऊंगी, मैं अंकित थोड़ी हूँ। हाँ, क्या हुआ? इतनी लेट आ रहे? बोला था 2-4-5 मिनट लगेंगे। नीचे क्या हुआ था? क्या हुआ? बैठ जा, कुछ काम है मुझे बात करनी है। नीचे जा, सारे नीचे बैठे हैं। हाँ तो मुझे अकेले में बात करनी है। बोल। तुझे पता है ना, सुबह से मेरा मूड खराब था और दोपहर से मैं कहाँ थी, तुझे पता भी है? सुबह से मूड खराब क्यों था? डांट पड़ी थी मुझे कि नमक कम डाला है सब्जी में, 2-3 बार बोल दिया। रूपाली, अगर सिर्फ इतना तेरे को बताया कि नमक कम है तो वो डांट रहा नहीं होता। वो बताया कि एक्चुअल में नमक कम है, वो डांटना कैसे हुआ? डांटना तो वो हुआ ना कि पकड़ के बोल दिया तू खाना नहीं बनाएगी, तू गंदा खाना बना, ये डांटना हुआ? वो सिर्फ बताया कि नमक थोड़ा बेटे कम था, वो बताना होता। तो बुरा भी लगता है। अरे नमक कम होगा तो कैसे बताएंगे? अगर ज्यादा होगा तो भी तो बताएंगे, कम होगा तो भी। वो तो सिर्फ अरे सिंपल बोल लाइन ही थी, बेटे थोड़ा आज नमक कम है, ये डांटना कैसे हुआ? क्यों तो, और दोपहर को भी मना कर दे फिर जाने को। कहां? बाहर। किसने? मम्मी ने। क्यों मना करा? बोला कि नहीं जाना, अकेले नहीं जाना, जाना तो अंकित के साथ जाना है। तो कॉल कर देती, मेरे साथ चल ले। क्यों, मुझे अकेले क्यों नहीं जाना है? तेरी शादी हुई है अभी बिरबाली, इसलिए बोला होगा, कंसर्न्ड वे में बोला होगा। तो क्या हो गया, शादी होगी तो मैं तो यही रहती थी, मुझे तो हर चीज पता है यहाँ की। पहले तू इंडिपेंडेंट रहती थी रूपाली, अब तू शादी हो गई है, घर पर है, मम्मी पापा के। तो अगर मुझे अकेले में कुछ काम है तो मैं अकेले में नहीं जा सकती क्या? जैसे कि है कुछ भी काम, मेरा पर्सनल काम, मेरे को दोस्तों से मिलना, जो भी होगा मुझे अकेले जाना। दोस्तों से मिलना होगा, तूने बोला होगा तो मम्मी नहीं बोलती। मैंने बोला कि मुझे बाहर कुछ काम है, तो बोला कि अंकित के साथ जा। क्या काम है? कुछ भी काम। ऐसा कौन सा काम है जो तू बता नहीं सकती? ये मेरा पर्सनल काम है भाई, मुझे कुछ चाहिए। जैसे कि? कुछ भी चाहिए, सामान चाहिए, सामान खत्म है। बता, इंस्टामार्ट से ऑर्डर कर देता हूँ। मुझे बाहर जाके खुद से हाथ से उठा के खरीदना है भाई। ठीक है तू? हाँ ठीक हूँ मैं। और फिर उसके बाद मैं जीन्स में क्यों नहीं जा सकती बाहर? क्यों नहीं जा सकती, कौन मना कर रहा है रूपाली? किया मना कि घर से बाहर पैर रखना है तो सूट पहन के ही जाना है। किसने कहा? मम्मी ने कहा। अरे मैं बात कर लूंगा। और अगर रूपाली देख सुन, सबसे इम्पोर्टेंट बात तेरे को बताता हूँ, अगर कोई भी कुछ भी कह रहा है तो वो समझाने के लिए कंसर्न वे में कह रहा होगा। मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, किसी ने तेरे को ये नहीं कहा तू नहीं पहन सकती। हाँ यही बोला कि नहीं पहननी है जींस, सूट पहन के जाना है। चल मम्मी से मैं पूछा देता हूँ। हाँ पूछ ले। और तूने क्या बोला था कि शादी के बाद जो करना है करियो, जो पहनना है पहनियो, जो मैंने कहा है ये मम्मी पापा ने तेरे मुंह पे कहा है, तू जो करना है। अब मैं सूट पहन के क्यों जाऊँ बार बार? अच्छा वैसे मेरी बात सुन, मैं तेरे को अभी पूछा दूंगा। अगर तुझे, मैं झूठ बोल रही हूँ मतलब तू पहुंचा देगा, पूछेगा मतलब, मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरी बात सुन, अगर तेरे को ये कहा
कि तू पहले तेरे को कहा था ना तू कुछ भी पहन सकती है, कहा था अगर तेरे अभी शादी को महीना ही हुआ है और इन केस कहा कि तू अकेले नहीं जा सकती, अंकित के साथ चली जा, कंसर्न वे में कहा होगा जस्ट ठीक है अगर तेरे को नहीं समझ में आ रहा। दूसरा अगर कहा होगा कि अभी सूट पहन के जाना है, तो एक डेढ़ दो महीने हुआ है, छह महीने तक लड़की सूट ये चूड़ा ये सब चीजें कैरी करती है। चूड़ा तो मैं पहन ही रही थी, चूड़ा तो खोल रही नहीं मैंने। ठीक है सूट भी पहन लेती ना अगर मम्मी कह रही है। तो मैं अगर एक बार जींस में चल जाऊंगी तो क्या हो जाएगा? दो तीन महीने बाद पहन लो। अरे तेरे को इस घर में कोई मना नहीं करने वाला। पहले क्यों नहीं बोला की तीन चार महीने तक सूट ही पहनने बाहर जाने के लिए? बताने वाली बात है, तेरा दिमाग ठीक है? कैसी बातें कर रही है, सर पैर है तेरी बातों का? तो पहले बताना चाहिए था ना कि जींस नहीं पा सकते। अबे भाई फालतू बात है ये। अबे क्या हो गया तेरे को यार, बाहर जाना था तो अभी चल मैं मम्मी को बोल देता हूँ कि क्यों रोका? देख रोका नहीं होगा अगर किसी जो मुझे तेरे साथ नहीं जाना, मुझे अकेले जाना। मैं मम्मी से सिर्फ इतना पूछूंगा किसी बात से रोका, तुझे भी पता लग जाएगा कि क्यों रोका होगा भाई। अरे देख तूने पूछा कि मैं हाँ, मैंने पूछा कि मैं अकेले जाना है या तू बोला नहीं अंकित के साथ जाना है ये बोला, और उसके बाद मैंने बोला कि और फिर बोला कि सूट पहन के ही जाना है जींस पहन के नहीं जाना है। अबे अगर मेरी बात सुन, अगर किसी बड़े ने कह दिया तो कितनी कितनी बड़ी के क्या क्या ईगो होल्ड हर्ट हो गया क्या? इसमें ईगो की क्या बात है? तू इसी बात पे कंटिन्यूस लड़ रही है यार। अगर देख बहुत सिंपल है, अगर किसी बड़े ने तूने क्या बोला था कि कोई भी दिक्कत आएगी मुझे बताइयो फिर मैं सॉल्यूशन निकालूंगा, तू तो मेरे को ही बोलने लग पड़ा। मैं बोल रहा हूं तुझे यहां कोई नहीं रोकेगा भाई। मैं भाई आज ही रोका तो वो अभी बता रही हूं। नीचे चल के तुझे वजह पता लग जाएगी। मैं पूछता हूँ क्यों रुका, तुझे वजह पता लग जाएगी। ये तेरे को ऐसा नहीं था कि जिंदगी भर के लिए? अरे फिर वो बोलेंगे ना मैंने तुझे बोला फिर ऐसे हो जाएगा। तेरा दिमाग ठीक है? हाँ पूछना है नहीं, बात करनी नहीं है क्या? तो जो बोला वो तो बता रही हूँ ना। पहले क्यों नहीं बोला कि जींस में नहीं रह सकते? और मैं किसी रिश्तेदार के घर थोड़ी जा रही हूँ कि मतलब जींस में नहीं जा सकती। भाई के बात करती हूँ। अभी तेरा दिमाग ठीक है? है नहीं है ठीक। दिमाग खराब कर रहा है। वो नीचे आया था बोलता क्या हो गया तुमको ऐसे? मैंने बोला निकल जाओ मुझे तुझसे बात नहीं करनी, और अभी वो छत पे ना दूसरी साइड मुंह करके खड़ा है। अब बता देती हूँ यार, है ना? अब मैं बताती हूँ बाहर जाके। मैं बाहर जा रही हूँ, उधर ही खड़ा है, खड़े हुआ। हेलो बमोला डायरीज, हेलो बमोला डायरीज, कैसे रहा? हुई तू रो रहा था? अबे दिमाग खराब है, रो रहा है। इसको बंद कर यार। क्यों तू रो रहा है? हुई तू रो क्यों रहा है? अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? अबे मैं प्रैंक कर रही थी जैसे तू करते है। क्यों तू सच में रो पड़ा? अबे भाई अबे रुपा दे इसको, दो मिनट बंद कर। तू रो क्यों रहा है? इसको बंद तो कर। तू रो क्यों रहा है? मैं इसको बंद कर दूंगा। हां बंद है, बता क्या हो गया बता। दिमाग ठीक है? क्यों तो तू भी तो प्रैंक करते, मैंने भी प्रैंक किया। इसको बंद कर दे। बोलो कैमरे सामने रखे हुए हैं, प्रैंक था ये। हाय कर दो, बोलो हाय, प्रैंक था ये यार। अपनी बारी किसे किया इसने? ठीक है भले, अब बंद कर ले, दो मिनट के लिए, दो मिनट के लिए बंद कर ले। मैं तो नाराज हो गया यार, ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने पूछा भी नहीं और ना ही मुझे कभी मना किया। तो तू ये नहीं बोल सकता मैं कितनी बार जींस में बाहर भी गई हूँ? मैं और सब में तो जींस में गए थे पहले भी। ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। तो रो क्यों रहा था? रो कौन रहा है रूपाली? बता मेरे को रीजन, बता दे रो क्यों रहा। आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि रूपाली ने मेरे ऊपर प्रैंक कर दिया और मैं प्रैंक हो भी गया। ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सही है। चलो हैप्पी न्यू ईयर सबको यार, हैप्पी न्यू ईयर आ गई है। फिर खाना बना रही थी पर मुझे अभी ध्यान आया तू रो क्यों पड़ा।
तो हैप्पी न्यू ईयर सबको, एंड आई होप तुमको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय, फर्स्ट एंड लास्ट।